हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे उन 8 देशों की जिनकी बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी से। हम आपको बताएंगे इनसे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें यह है पर्शियन गल्फ और यह है गल्फ ऑफ ओमान, और गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी जुड़ी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो जिसका आंसर होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हम आपको बता दें अब उन देशों के बारे में जिनकी बाउंड्री साझा होती है पर्शियन गल्फ से। सबसे पहला देश है ओमान, जिसकी बाउंड्री साझा होती है पर्शियन गल्फ के साथ और इसकी राजधानी है मस्कट। अगला देश है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी, जो कि बाउंड्री शेयर होती है इसी की पर्शियन गल्फ के साथ। अगला देश कतर, कतर की कैपिटल दोहा, जिसकी बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ के साथ। उसके बाद बहरीन, बहरीन कैपिटल मनामा और इसकी बाउंड्री शेयर होती है। उसके बाद कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और इसकी भी बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ के साथ। इधर ईरान, ईरान की बाउंड्री शेयर होती है और ईरान की कैपिटल है तेहरान। इधर सऊदी अरब, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और इसकी बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ के साथ। वहीं लास्ट देश बच गया इराक, जिसकी कैपिटल है बगदाद और जिसकी बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ के साथ। यानी ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, इन सभी की बाउंड्री से साझा होती है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के साथ। वहीं फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 8 देश जिसमें बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा फारस की खाड़ी के आसपास की भूमि साझा की जाती है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पर्शियन गल्फ के साथ साझा करती है, जिसमें ऑप्शन देगा वो ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान। सॉरी, एग्जामिनर पूछेगा निम्नलिखित में से किस देश की बाउंड्री साझा नहीं करती पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के साथ। ऑप्शन देगा ईरान, इराक, ओमान, यमन, सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा यमन, यमन की बाउंड्री शेयर नहीं करती पर्शियन गल्फ साथ, यह करती है ओमान की। इसके अलावा अगला प्रश्न आएगा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान किस स्ट्रेट से आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका आंसर होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ।